पुराने शहर के इलाके कंचनबाग में एक खातून की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया था। बताया जाता है कि 30 साल करीमुनिसा बेगम, जो हाफिज बाबा नगर इलाके के साकिन मोहम्मद अली की बीवी थी, उन्होंने गुज़श्ता रात इंतहाई इकदाम कर लिया था। उनकी शादी 4 साल कबल हुई थी। शोहर मोहम्मद अली करीमुनिसा को जायद जहेज के लिए हिरासा वो परेशान करता था और इस पर अजियत रसानी का भी इल्जाम है। मुतवफिया के रिश्तेदारों ने मोहम्मद अली पर कत्ल का इल्जाम लगाया और कहा कि मोहम्मद अली ने कत्ल के बाद करीमुनिसा को फांसी पर लटका दिया और उसको खुदकुशी करार दे रहा। बावसूख जराए के मुताबिक करीमुनिसा मोहम्मद अली की दूसरी बीवी थी। उस शख्स पर पहली बीवी को हिरासा करने का भी इल्जाम है। मैं आरडीसी क्रासरोड का रहने वाला हूँ। ये मेरी बहन को जो है ना 4 साल पहले साकिन बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद अली से निकाह करके दिए थे हमारे वालिद मरहूम। 4 साल से इनको ऐसी टॉर्चर कर रहे हैं जहेज के लिए, जहेज भी दिए थे, जहेज के लिए भी टॉर्चर कर रहे थे, ऐसी हरासमेंट चल रहा था। मोहम्मद अली नाम है उनका। क्या काम करते थे? पांडब्बा था उनका, वहीं आरडीसी क्रासरोड। हरासमेंट कर रहे तो कंप्लेंट नहीं दिया? 4 साल से हमारी बहन की सूरत देखे, हमारी बहन की दूसरी शादी थी, उनकी भी दूसरी शादी थी ये, तो इसलिए हम लोग हमारी बहन की सूरत देख के जो है समा खामोश बैठ गया। हमारे बहन नको दो बोले कंप्लेंट, उनको जो है समा नको दो बोल के बोलने लगे थे, उन्होंने नहीं दिया कंप्लेंट। उन्होंने बर्दाश्त करना चाह रहे थे वहीं, तो उन्होंने रहना चाह रहे थे वहीं, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट नहीं दिए। कंप्लेंट नहीं देने की वजह से जो है समा आइंदा आने वाले एक महीने से पहले लॉकडाउन जब चल रहा था, एक महीने के पहले उन्होंने हरासमेंट करे, हरासमेंट करके घर में मारे, मार के उनकी उंगली तोड़ दिया, डाइनी उंगली, एक उंगली तोड़ दे के हमारे घर को भिजा दिए थे। फिर हम ना उन्होंने बुला लेके चले गए, ले लेके जाके अलग घर में रख के, किराए के घर में जहाँ पे उमर फारूक मस्जिद है वहाँ पे किराए के घर में रख के, लास्ट नाइट रात के 12:30 मुझे कॉल आ रहा, उनके भाई कॉल करके बोल रहे कि तुम्हारे बहन हैंग करके मर गए। ये सरासर गलत है, मेरी बहन उसकी बुजदिली का काम नहीं कर सकती, ये सरासर गलत अफवाह फैलाई जा रही है उनके ऊपर। हम इससे पहले हमारी बहन को पूछे थे आप ऐसा काम कर सकते क्या, बोलते उन्होंने नहीं बोल के बोले थे, फिर भी उन्होंने जो है समा गलत अफवाह फैला के जो है समा ये बोले कि आपकी बहन हैंग कर लेके मर गई। मर हम बोले मेरी बहन का नाम करीमुनिसा बेगम था जी। क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र 30 साल थी। कुछ काम करते थे या नहीं? हाउस वाइफ ही थे उन्होंने। 3 बच्चे थे उनको, एक बेटी थी, 2 बेटे थे। उम्र बच्चों की? एक बेटी 3 साल की थी, एक बेटा 2 साल का और एक बेटा 1 साल का था।